कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? फिर से आपका स्वागत है कोको के टॉप एमसीक्यूज की सीरीज में, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका पूरा सीजीपीएससी का सिलेबस हम कवर कराने वाले हैं। सीजीपीएससी जब आपका सीसेट होगा, सीसेट में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और साथ में क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और हर एग्जाम में मोस्ट है ना, और आपके पीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार पूछता ही पूछता है। और ये वास्ट होने के कारण उसको एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो उसके छोटे छोटे पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को डिवाइड करके हम जो आज लेके आए हैं वो टॉपिक है आपका फ्रैक्शन, जिसे हम यहाँ पर क्या आते हैं, भिन्न बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वर्तमान में आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आपके पूछते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शन के पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो भिन्न होता है वो हमेशा आपका p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जिसमें p को हम कहते हैं अंश और q को हम कहते हैं हर। तो ये जो पोर्शन हुआ ये आपका पोर्शन हुआ न्यूमरेटर, और ये आपका पोर्शन हुआ डेनोमिनेटर, ठीक है। वो पोर्शन आपका क्या हुआ, न्यूमरेटर हुआ, और ये पोर्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, डेनोमिनेटर हमारे पास हो गया, ठीक, अंश बटे यहाँ पे हर। फॉर एग्जाम्पल 4/5, 8/11, 7/13, ये सभी का सभी क्या है, ये आपके यहाँ पर किस फॉर्म में है, ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, आपका ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन हुआ ये आपका p अपॉन q के फॉर्म में, अगर मैं नॉर्मल एक नंबर ले लेता हूँ 4, या फिर एक नंबर ले लेता हूँ -7, जैसे 4 मतलब 4/1, -7 मतलब -7/1, ये हमको दिया हुआ है 4/1 -7/1, मतलब अगर आपको कोई भी संख्या दिया हुआ है नीचे कुछ नहीं देगा, तो नीचे यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो उसी प्रकार आपकी जितनी भी प्राकृतिक संख्या हुई, पूर्ण संख्या हुई, पूर्णांक हुआ, वर्ग संख्या हुआ, वो सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन का ही क्या होगा, आपका पार्ट होगा, ठीक। फ्रैक्शन का आपका जो बेसिक में जो आपका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो अक्सर पूछता है आपका, इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आपको जमाने वाला क्वेश्चन आपको पूछता है, दैट मीन्स इन द असेंडिंग ऑर्डर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है कि आपको पता करना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा, आपको ये पता करना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं, एक क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि 2/7, 5/7, 1/7 और 6/7 बोला, या मैं 7/2 बोला, 7/5 बोला, 7/1 बोला, ठीक है, 6/7, और यहाँ पे मैं बोला 7/6 बोला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी क्या है कि ये पहले पोर्शन में आपका जो आपका डेनोमिनेटर है, मतलब जो भी आपका हर है, हर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समान दिया, और वो हर कितना है, 7/7/7 समान दिया हुआ है। सेकेंड पोर्शन में आप जब इधर वाले में आएंगे तो आपका ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, ये आपको क्या दिया हुआ है, कॉमन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जब न्यूमरेटर कॉमन होगा तो सबसे छोटा हर कौन सा है, 1, तो ये जो संख्या होगी ये संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी,
और सबसे बड़ा हर कौन सा है? 6। तो यह जो संख्या होगी यह संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब जब हर समान होगा तो सबसे छोटा हर कौन सा है? 1। इसीलिए यह संख्या सबसे क्या होगी? छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ा अंश आपका कितना दिया हुआ है? 6। इसीलिए यह संख्या सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको ना तो हर कॉमन मिला है, ना ही अंश कॉमन मिला है, ना तो न्यूमरेटर कॉमन है, ना ही डिनोमिनेटर कॉमन है। बट एक सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि ये नंबर्स के बीच में और ये नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस है 1। क्या चीज है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस है मतलब समान अंतर है। ठीक है, तो जब आपको हर और अंश में मध्य में क्या होगा, अंतर आपको समान रूप से मिलेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, सबसे छोटा अंश कौन सा है? 3। इसीलिए यह संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। और सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 9। इसीलिए यह संख्या सबसे बड़ी होगी। और हमको पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो हमारे पास 3/4 ये उत्तर होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, और आपका जो अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको ये पता करने बोला है कि इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, आपको ये पता करने बोला है। और ये आपको दिया है 5/8 दिया है, 7/9 दिया है, 11/17 दिया और 9/13 दिया हुआ। ठीक है, अब इन नंबर्स में देखें तो ना तो अंश कॉमन है, ना तो हर कॉमन है, और ना ही गैप कॉमन है। यहाँ देखते हैं इसके मध्य में गैप जो है, यहाँ पर 3 का गैप है, पहला गैप 3 का है, दूसरा गैप 2 का है, तीसरा गैप 6 का है, और चौथा गैप 4 का है। गैप कॉमन नहीं मिला, तो इस कंडीशन में हमने इन सभी का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लिया, और लघुत्तम समापवर्ती कितना आया हमारे पास? 12। इनका लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। ठीक, अब 3 से 12 को भाग किए तो हमें मिलता है 4, तो 5 चौक इसका वैल्यू हो गया 20। 12 को 2 से भाग किए तो 6 आया, तो 7 छक्के इसका वैल्यू आ गया 42। 12 को 6 से भाग किए तो 2 आया, तो 11 दुनी यहाँ पर क्या हो गया? 22। 12 को 4 से भाग किए तो 3 मिला, और 9 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27 होगा, 27 ये कंडीशन आ गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका वैल्यू 20 है, 42 है, 22 है, 27 है, हम यहाँ पर ये देखते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा दिख रहा है? 20 दिख रहा है, इसीलिए ये जो भिन्न होगा सबसे छोटा होगा। और अगर पूछेगा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो वो हो जाएगा 7/9, जिसे हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू 42 को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हुआ, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन को मैंने देखा है व्यापम में भी और पीएससी में भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम नंबर देखते हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर अलग अलग नहीं देगा, आपको एक ही, आपको वही नंबर्स देंगे, बस वो नंबर्स का आपका जो सिक्वेंस होगा वो आपको आगे पीछे करके देगा, कभी ये आगे देगा, कभी वो आगे देगा, कभी ये पीछे देगा, बस उतना ही करेगा और कुछ नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो सब में यूज हुआ है, 7/9 यूज हुआ है, 9/11 यूज हुआ है, और 11/13 यूज हुआ है। ठीक है, देखते हैं सभी में दो दो का गैप है, सभी में दो दो का गैप होगा तो सबसे छोटा जो अंश होगा वो सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा होगा, ये तो हम सीख ही चुके हैं। तो यहां पे देखेंगे 7/9 इससे बड़ा होगा 9/11, और उससे बड़ा होगा 11/13। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, हमको बोला असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, छोटे से बड़ा, तो यही हमारा आंसर होगा, 7/9, 9/11, 11/13 सबसे आसान सा। क्लियर हुआ, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको बोला है, अब पुराना तरीका आपको याद होगा, अभी हमने पहले किया था, वहां पर क्या पता किया था, हमने बोला था सबसे बड़ा
या सबसे छोटी संख्या बोला है। अब इसी को हमको क्या करना है, आरोही क्रम और हमको अवरोही क्रम में हमको जमाना है, ठीक है। संख्या वही उपयोग हुआ है, संख्या जो उपयोग हुआ है वो 7/11, 8/13 है ना भाई, 9/14 और 11/15, यही हमको उपयोग हुआ है। पहले गैप 4 का है, फिर 5 का है, फिर 5 का है, फिर 4 का, 4 4 का 4 5 गैप है। इन सभी का लघुत्तम, लघुत्तम हमारे पास कितना आया, इनका लघुत्तम आया 20, ठीक है। इससे भाग के तो 5 हुआ, तो इसका वैल्यू 7 5 6 35, 4 8 4 32, 4 9 4 36, ठीक, 5 11 5 55, ये हमारे पास आया, ठीक है। अब बोला है असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, तो ये सबसे पहले आएगा, ठीक, ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे आएगा, और ये किस पे आएगा, फोर्थ पे आएगा। मतलब 8/13 सबसे पहले आएगा, फिर हमारे पास 7/11 आएगा, फिर हमारे पास 9/14 आएगा, अंत में 11/15 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। ये आपको दिया हुआ पी अपॉन क्यू, पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3/11, क्यू का वैल्यू आपको दिया है 1/4, और आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/15, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला काम ये देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, अपन ये देख लेते हैं। गैप कितने का है, यहाँ पर जो गैप है वो 8 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, और यहाँ पर बाप रे 11 का गैप है। ये सभी का हमने लघुत्तम निकाला, ये सबका जो लघुत्तम आएगा 8 + 11 तक 264, ठीक है, 264 आया। इससे भाग किए, ठीक है ना भाई, इससे भाग किए तो जब इससे भाग किए तो कितना है 33, तो इसको जब 33 से मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू कितना हुआ 99, ठीक। इससे भाग किए तो कितना है हमारे पास, जब इससे भाग किए, सॉरी, हमने जब 3 से भाग किया तो 88 आया, तो इसको 88 से मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू कितना आया 88 आया, और जब इससे भाग किए तो कितना है 24 आया, और जब इसको 24 से गुना किए तो इसका वैल्यू क्या हुआ 96, ये हमारे पास आया। तो देख के समझ में आ रहा है कि हमको सबसे बड़ा कौन सा है, 99 सबसे बड़ा है, मतलब P सबसे बड़ा है, ठीक है। P के साथ में यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा R होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा Q होगा, या तो क्रम ये वाला होगा या फिर Q फिर R फिर P, हमको यहाँ पे यही दो क्रम हमको निकलेगा जब क्रम में निकलेंगे। तो आपको कौन सा क्रम दिया हुआ है, छोटा वाला क्रम दिया हुआ है, तो Q R और P ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू में, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश में दोनों में अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 4/5 हो जाता है, और अंश और हर में यहाँ पर दोनों में क्या घटा रहे हैं, 5 घटा रहे हैं, तो वह कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। आपको निकालना है कि वो फ्रैक्शन कौन सा है। हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होता है, मान लो वो फ्रैक्शन आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, हम यही जानते हैं, ठीक, तो फ्रैक्शन पी अपॉन क्यू है। जो पहला कंडीशन आपको दिया हुआ है, अगर दोनों में एक जोड़ देते हैं, यहाँ भी एक जोड़ देते हैं, यहाँ भी एक जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन पे यह 4/5 हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हमारे पास हुआ 4p + 4, ये हमारे पास हो जा रहा है 5p + 5 = 4q, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। इसको इधर लेके आए तो हमारे पास 5p - 4q = इसको इधर लेके आए तो वैल्यू कितना हो गया -1, ये हमारे पास पहला इक्वेशन बना, ठीक, पहले कंडीशन के हिसाब से। दूसरा हमको एक और कंडीशन दिया हुआ है, वो हमको दिया हुआ है अगर दोनों में अंश और हर में दोनों में 5 घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं 5 घटा रहे हैं, तो मतलब अगर मैं p-5 किया अपॉन यहाँ पर q-5 किया
तो उस कंडीशन पे यह कितना हो जा रहा है, एक बट्टे क्या हो जा रहा है, एक बट्टे दो हो जा रहा है, उस कंडीशन पे एक बट्टे दो हो जा रहा है। सेम अब अगर सपोज यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2p माइनस 10 इक्वल टू q माइनस 5, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको इधर लेके गया तो ये हमारे पास आया 2p माइनस q इक्वल टू, इसको इधर लेके आए तो माइनस 5 प्लस 10, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 10 हमारे पास कितना हो जाएगा 5। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ठीक। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है आगे सिनारियो, ठीक है। तो उस कंडीशन पे ये हो जाएगा 10p माइनस 8q बराबर माइनस 2। नीचे हम देखें तो यहाँ 5 से क्या हो जाएगा, 10p माइनस 5q बराबर ये कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा ये होगा 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, ख़त्म हुआ ये वाला, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 3q बराबर माइनस 27। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो q का वैल्यू है वो माइनस 27 बटे माइनस 3, वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ये हमारे पास आ गया, q का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। चलो पहले हम ये वाला इक्वेशन देख लेते हैं, इस इक्वेशन में q के वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। तो 5p माइनस कितना वैल्यू दिया हमको, इसका वैल्यू कितना दिया हमको 9 दिया हुआ है, मतलब माइनस 4 × 9 इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया हमको, क्या दिया हुआ माइनस 1 दिया हुआ है, तो मतलब 5p माइनस 36 इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, और 5p इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आए तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 और p इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो p अपॉन q हमने लिया था, हमने फ्रैक्शन को लिया था, p अपॉन q को फ्रैक्शन में लिया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7/9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मान लो इसको हमने इस तरीके से बनाया, थोड़ा सा लंबा चला गया। अब जो हमको दिया हुआ है, हमको यहाँ पे जो कंडीशन दिया है ना, हम क्या करते हैं उस कंडीशन को ही यहाँ से ऑप्शन से जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक। पहला कंडीशन आपको दे, दोनों में एक जोड़े तो कितना हो जा रहा 4/5, चलो इसमें एक जोड़े और एक जोड़े तो ये वैल्यू कितना हुआ 8/10 हुआ, मतलब 4/5, मतलब फर्स्ट कंडीशन जस्टिफाइड, ठीक है। अब 7/9 दूसरा कंडीशन लेते हैं, दोनों में अगर 5 घटाए, यहाँ 5 घटाया और यहाँ पर 5 घटाया तो ये कितना हो जाएगा 2/ यहाँ पर क्या होगा और 4, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पर क्या हो गया, जस्टिफाइड हो गया, और जब दोनों कंडीशन जस्टिफाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये आंसर होगा। अगर सपोज इसमें जस्टिफाई नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन लेंगे, फिर अगला ऑप्शन लेंगे, फिर अगला ऑप्शन लेंगे। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे बनाएंगे, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा इसका आंसर कौन सा होगा। क्लियर हुआ, ये था हमारा कौन सा नंबर, 6th क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि एक पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है, एन इंटीजर नंबर विच इज 10 < its 1/3, ठीक है। मान लो आपका एक संख्या x है, ठीक है, ये जो संख्या है ना अपने 1/3 से, मतलब इसके 1/3 से कितना कम है, 10 कम है, ठीक। मैथ्स में क्या होता है कि बहुत बार हम ये कोशिश करते हैं कि हम पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करते हैं, हम एक निर्णय लेते हैं, ठीक, फिर हम डिसाइड करते हैं वो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपने जैसा प्रश्न पूछा आप उसको वैसी का वैसी पढ़ते हुए, जैसे जैसे इक्वेशन बनेगा आप उसको वैसी उतार लीजिए, तो आपको जब चीजें दिखेंगी तो वो आपको क्या होगा, सरल होगा, ठीक है। और कभी कभार क्या होती है, ये छोटे से क्वेश्चन होते हैं ना, ये हमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हमको फंसा देते हैं, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखना कैसे बनेगा। तो हमको बोला कि कोई एक इंटीजर बोला, मतलब कोई भी संख्या बोला, उसको हम लोग यहाँ पर क्या ले लिया, एक्स बोला है, वह संख्या क्या बोल रहा है, वो 10 कम है, कितना कम है, 10 कम है, मतलब 10 माइनस कर लिए, किससे, उसके 1/3 से, मतलब x के 1/3 से, ठीक।
अब यहां पर क्या होगा, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बाई थ्री, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस टेन होगा, और यहां पर नीचे कितना हो जाएगा, तीन होगा, और ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा, ऊपर जो होगा वो आपका होगा तीन एक्स माइनस एक्स बराबर माइनस दस माइनस, है ना। तो इसका मतलब दो एक्स बराबर, यहां मल्टीप्लाई किए तो माइनस तीस आया, और एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस पंद्रह, माइनस क्या हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। आपको ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन 7/8 ऑफ ए नंबर एंड इट्स डबल इज 72, देन वी हैव टू फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 7/8 और उसके दो गुने के बीच का अंतर कितना दिया, 72, तो हमको संख्या निकालना है। मान लेते हैं वो जो संख्या है, वो संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हो। संख्या यहाँ पर क्या दिया है, x। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके 7/8 और उसके दुगने का बीच का अंतर, मतलब 2 × x माइनस 7/8 इंटू एक्स, ये दोनों का अंतर यहाँ पर कितना बोल रहा है, हमको दिया हुआ है 72। दोनों का लघुत्तम 8 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8 × 16 x माइनस 7x बराबर यहाँ पर क्या हुआ, 72। ये हो जाएगा 9x बराबर 72 × 8, और x बराबर होगा 72 × 8/9। 9 एक बार में, 9 8 बार में, और 8 हट्टे क्या हो जाएगा, 64। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। ये अक्सर आपको नंबर सिस्टम में मिला के आपको पूछता है, तो उसको हमने यहाँ पे कवर किया है, इस टाइप के क्वेश्चन को। लेटेस्ट ट्रेंड का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद आया होगा ये क्वेश्चन आपको अभी इसी तरीके का। ये आपको कहाँ पर पूछा था, आपको अभी आपका जो लेबर इंस्पेक्टर हुआ था, सॉरी फूड इंस्पेक्टर हुआ था, आपको फूड इंस्पेक्टर का क्वेश्चन था ये वाला। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90% जनसंख्या ने उसका क्वेश्चन आपको नहीं बना पाया था, क्योंकि हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको थोड़ी दिक्कतें होती, थोड़ी फंस जाती है। इसी क्वेश्चन का आपका इन्वर्स पूछा था, वो तरीके ही बताऊंगा आपको किस तरीके से होगा आपका, ठीक। ये हम जानते हैं कि फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, ये हम जानते हैं, ठीक। सिंपल सा आपको सपोज 4/3 दिया हुआ है, तो ये आपका फ्रैक्शन है जिसमें 4 क्या है, अंश है, 3 यहाँ पर क्या है, हर है, ठीक। आपको सपोज 4/2/3 दिया हुआ है, इस कंडीशन में आपको दिया हुआ है, तो मतलब अभी जो आपका अंश है, अभी आपका अंश 4 है, और जो हर है वो 2/3 है, तो उस कंडीशन पे ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और यहाँ पर ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होता है। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक। अब सपोज आपको दिया 5/7/ दिया हुआ है 3, अब आपको दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में ये जो 3 है ना, ये आपका अंश है, और ये जो है ये आपका हर है, तो यहाँ पे जो 7 होगा ये कहाँ पे होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/ क्या होगा, 21 होगा। समझ में आ रहा जो बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको याद रखना। अब अगर सपोज मैं 2/3/ यहाँ पर 5/7, सपोज मैंने आपको ये दे दिया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 7 × 2 ये क्या हो जाएगा, 14, और ये 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15, तो यहाँ पर 14/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15, ये वैल्यू हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न को याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैटर्न है, ठीक है। अब यहाँ से जब भी आपका ये वाला फ्रैक्शन होता है इस तरीके से, तो हम याद रखेंगे हमेशा सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पीछे से हम सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू हमारे पास कितना हुआ, 4/3 हुआ। 1+1/3 क्या होगा, 4/3 होगा, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आराम से बता रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये जो 3 होगा ये कहाँ जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा, और इसका जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट है इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1+3/4, ये वैल्यू हमारे पास होगा। तो जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो ये हुआ 7/ यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको जब मैं वापस, फिर क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा, सबसे ऊपर में जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 1+ क्या बनेगा,
4/7 हमारे पास बनेगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 11/7 यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, जो यहाँ पर वैल्यू है ये भी आपको कितना दिया, 4/7 है, तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 11/7 होगा। ये समझे वैल्यू 1/11/7 क्यों आया, क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन ए बी अपॉन सी के फॉर्म में होता है तो वो ए इंटू सी प्लस बी अपॉन क्या होता है, सी के फॉर्म में होता है। तो 1 × 7 + 4, 1 × 7 सात, 7 × 4 कितना हो जाएगा, 11, इसलिए 11/7 यहाँ पर क्या होगा, 7। हमने ये दोनों को सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 22/7। इसको भाग के तो 7 * 21 और बचा कितना, 1, तो 3 × 1/7 ये हमारा आंसर आएगा, जो हमको दिया नहीं है, और ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आपका क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी का इन्वर्स बता देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, बहुत बार क्या करेगा, इसका जो इन्वर्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो जो पूछा था आपका लेबर इंस्पेक्टर में, वो क्वेश्चन क्या था, एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो आपको सपोज आपको दिया हुआ है 56/17, ये सपोज आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। ठीक, अब यहाँ पर ये दिया, आपको ये भी दिया है, और आपको ये भी दे सकता है कि आपको 17/56 भी आपको दे सकता है। ठीक है, चलो सबसे पहला काम, 17 को डिवाइड करते हैं हम 51 से, तो ये सॉरी 56 से, तो ये हमारे पास हुआ 17 * 51 और बचा यहाँ पर कितना, 5, तो इसको मैं 3 + 5/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये पहला काम, और फर्दर मैं इसको लिखना चालू किया 3 + 1/7, मैं उसको 7/5 भी लिख सकता हूँ, तभी तो ये 5 ऊपर जाएगा और ये 5/7 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो वैल्यू हुआ 5/7/5, 5 को डिवाइड किया 7 से, तो 5 एक बार में क्या हो जाएगा, 5, बचेगा कितना, तो इसको मैं फर्दर और क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1/1 + क्या लिख सकता हूँ, 2/5 ये लिख सकता हूँ, तभी तो 7/5 होगा। अब इसी अगर मैं सीरीज़ को कंटिन्यू किया, इसी सीरीज़ को कंटिन्यू किया, तो यहाँ पर मेरा 3 + 1/1 + क्या हो जाएगा, 5/2, ये हमको ये जो दिया है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2/5 को 1/5/2 लिख सकता हूँ, तभी तो 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 1/1 + 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, ये हमारे पास हुआ किसका, ये जो हुआ ये हमारे पास हुआ 56/17 का, आपका ये फाइनल वैल्यू आपको आया। अब एग्जामिनर क्या किया है, यहाँ पर इसको बोला है ए और यहाँ पर इसको बोल दिया है बी, और सपोज यहाँ पर आपको बोला है ये, और आपको ये बोला है कि ए बी और सी का मान निकालिए, या ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालिए। यही सेम क्वेश्चन आपको इस तरीके से आपको पूछा था लेबर इंस्पेक्टर में, फूड इंस्पेक्टर में इस बार के में, तो बहुत संभावना है कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन ये वाला, या आपको जब पीएससी एग्ज़ाम देंगे तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आपको वो सिंप्लीफिकेशन पे या फ्रैक्शन के रूप में आपको मिल सकता है। अगला फैक्शन, अगला आते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट सिचुएटेड बिटवीन 4/5 and 7/13, 4/5 और यहाँ पर क्या दिया हुआ, 7/13 के मध्य में आपको नहीं दिया हुआ, आपको इनमें से पता करना है कौन सा आपको नहीं दिया। पहला जो नंबर है आपका है 1/2, दूसरा नंबर है आपका 2/3, तीसरा नंबर है आपका 3/4 और उसके बाद नंबर है आपका 5/7। ठीक है, देखिए करने का तरीका आपका सब अलग अलग है, हम इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं, है ना, लघुत्तम निकाल सकते हैं, या दोनों अपन क्या बोलते हैं, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरा आसान तरीका क्या है कि हमको बोला है
चार बट्टे पाँच और यहाँ पे सात बट्टे क्या दिया हुआ है, 13 के मध्य में बोला है। यहाँ जीरो और यहाँ जीरो लगाते कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये जो वैल्यू हुआ ये आपके पास 8 हुआ और ये वैल्यू हुआ 13 पंचे, यहाँ पर क्या हुआ 13 पंचे 65, 50 बचेगा लगभग 5.39 के आसपास कुछ आपके पास आएगा। तो ऐसा मान लेते हैं वह संख्या आपके पास 5.4 और आपके पास 8 के बीच में आना चाहिए। हम इन सब में भी ज़ीरो लगा लेते हैं, इन सब में भी ज़ीरो लगा लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होगा ये लगभग 5 के पास होगा, ये 6.6 के आसपास होगा, ये 7.5 के आसपास होगा और ये आपका 7.1 के आसपास होगा, ठीक है। ये आपका 7.1 के आसपास होगा, सब में ज़ीरो ज़ीरो लगा लेंगे, कोई फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि इक्वेट करने के लिए आपको सब बराबर करने के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि 6.6, 7.5 और 7.1 ये सभी के सभी आपका वैल्यू जो आया है वो इनके मध्य में आया है और ये जो 5 है ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आया है और ये 5 1/2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए यह जो संख्या होगी 1/2 ये ऐसा फ्रैक्शन है जो 4/5 और 7/13 के मध्य में आपका नहीं आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का है, कंटिन्यू यहां पर आपको जो सीरीज देगा वो उसका है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक सिंपल सा आपका इसका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक। जैसे आपको दिया हुआ है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 और 1-1/5 और 1-1/6। अभी हम आगे सीरीज नहीं लेते हैं, आगे का सीरीज हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, बाद में हम देखते हैं। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 1/2 आया, इसको सॉल्व किया तो 2/3 आया, इसको सॉल्व किया तो 3/4 आया, इसको सॉल्व किया तो 4/5 आया और इसको सॉल्व किया तो 5/6 आया, ठीक है ना। तो कटा यहाँ पर ये वाला फ्रैक्शन, ये और ये, और हमारा आंसर क्या है 1/6, ठीक है। तो इससे हम एक चीज़ समझते हैं, अगर ये नीचे वाला कट रहा है, क्या कट रहा है, नीचे वाला कट रहा है तो बचेगा कौन सा, ये नीचे वाला कटेगा तो पहले वाले का ऊपर और लास्ट वाले का क्या बच रहा है नीचे, तभी तो हमारे पास क्या बचा है 1/6 हमारे पास बचा है। तो जब ये सीरीज वाला देगा, इन पूरे सीरीज को सॉल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 को सॉल्व करेंगे, वो क्या कौन सा होगा, फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा और यहाँ पे लास्ट टर्म होगा। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म से हमको ये आइडिया हो जाएगा कटने वाला है कौन सा है, ऊपर वाला न्यूमरेटर कट रहा है कि डेनोमिनेटर कट रहा है, आपको वो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले को सॉल्व किए तो 1/2 मिला, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे को सॉल्व किए तो 2/3 मिला और सबसे लास्ट वाले को सॉल्व किए तो यहाँ पर हमको 5/6 मिला। तो हम ये देखें कि कट कौन सा रहा है, इसका नीचे और इसका ऊपर वाला, तो हमको यहाँ पर जो बच रहा है वो बच रहा है 1, पहले वाले का ऊपर बचा इसलिए अंत वाले का 6 बचेगा और हम तभी तो लेके आ रहे हैं आंसर 1/6। तो इस प्रकार ये हमारा सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास होता है। अब हम उसी का हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमको यहाँ पर दिया है, ठीक। सीरीज आपका बहुत लंबा दिया हो, 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, ये लंबा लाइन से सीरीज दिया हुआ है। तो हमको सीरीज में जब देखेंगे तो हमको इस पूरे सीरीज को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें पहले वाले को सॉल्व किए, इस पहले वाले को सॉल्व किए तो हमको मिला 1/2 मिला, हम जब इसको सॉल्व किए तो वो हमको 2/3 हमको मिला, ये 2 मिला। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो मुझे मिला
एन माइनस वन अपॉन यहाँ पर क्या मिला, एन हमको मिला, ठीक है, ये हमको मिला। तो अब उस कंडीशन पे यहाँ पे टू और यहाँ पे टू, मतलब पहले वाले का हम पहले दो को मिला के देखें, तो हम देखते हैं कि यहाँ का नीचे वाला और वहाँ का ऊपर वाला हमारे पास कट गया है, तो इसमें यहाँ पर क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है ऊपर वाला, तो अंत का यहाँ पर क्या बचेगा, नीचे वाला बचेगा, इसीलिए 1/n ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। सेम ये उसी टाइप का पैटर्न है, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, हमको सॉल्व करना है तीन चीजों को। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, ये मिला 5/3 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं, का मिली से 7/5, ठीक है। अब आगे बढ़ रहा सीरीज, सबसे लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, तो 2002 मतलब 2 माइनस 999 अपॉन 1001 को सॉल्व करते हैं, एलसीएम हुआ 1001, इसको मल्टीप्लाई किए तो 2002 में से हमारा 999 गया, तो बचा हमारे पास यहाँ पे 12 में से 9 गए, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है भाई, 3 बच गया हमारे पास। उसके बाद क्या बचा है, अच्छा 12 में से 9 गए 3 बचा, यहाँ पे 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 9 में से 9 गया तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा, 1003 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, जब गाएंगे तो लास्ट में 1003 बटे यहाँ पर क्या बच रहा है, 1001, ये हमारे पास बच रहा है। अब हम सीक्वेंस को आगे बढ़ाए तो सिंपल सा है, ये और ये कटा, ठीक है, ये और क्या बचा हमारे पास, ये कटा, तो जो पहले वाले का है वो क्या बच रहा है, नीचे वाला बचेगा, तो अंतिम का यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा 1003। देखिए इस क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, यहाँ पे सीक्वेंस में क्या बताया था, जब आपका सीक्वेंस चलेगा, सीक्वेंस में यहाँ पर क्या बताया था, अगर आपका पहले वाले का ऊपर वाला बचेगा तो अंतिम का क्या बचेगा, नीचे वाला बचेगा, ठीक है, और अगर सपोज सीक्वेंस में पहले वाले का नीचे वाला बचेगा तो अंतिम वाले का क्या बचेगा, ऊपर वाला, मतलब इसका ऊपर और इसका सबसे लास्ट, या तो ये दोनों का जोड़ी बनाएगा या फिर इसका लास्ट और इसका ऊपर ये दोनों का जोड़ी बनाएगा, ये याद रखना हमको, सिंपल सा चीज है। तो हम इस प्रश्न में देखते हैं हमको सामने में क्या बचा है, इसका नीचे वाला पोर्शन बचा है, इसीलिए हमको यहाँ पर क्या बचेगा, इसका ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, और ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आपको बोला है कि जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से यहाँ पर क्या कर दिया, भाग कर दिया, और सही उत्तर से 35/24 अधिक प्राप्त हुआ है, तो आपको वो भिन्न निकालना, फ्रैक्शन आपको निकालना, ठीक है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, सपोज मैं एक नंबर बोला कि मैंने एक नंबर बोला 24, ठीक, मुझे 24 को बोला है कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलता, 48 मिलता, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, इसको 24 से डिवाइड किया, तो उस कंडीशन पे मुझे कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करने बोला था, 2 से मल्टीप्लाई करने बोला था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा करने पर क्या हो रहा है कि मुझे जो उत्तर है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा करने पर मुझे उत्तर क्या हो रहा है, 36 क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक। और इसी का ऑपोजिट अगर मुझे बोला है कि इसको 2 से भाग करने के बजाय आपने इसको 2/2 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर क्या होगा, 36 क्या होगा, अधिक मिलेगा, 36 क्या होगा, अधिक मिलेगा। दोनों कंडीशन में 36 आया, वो आया कैसे है, मान लो इस संख्या को हम x ले लेते हैं, तो मतलब पहले आपको 2x करना था लेकिन आपने क्या कर दिया, x/2 कर दिया, तो दोनों का अंतर यहाँ पर ये करने के बजाय ये किया, तो आपको क्या होगा, संख्या का वैल्यू क्या होगा, कम मिलेगा, और आपको ये करने बोला और आपने ये कर दिया तो आपको वैल्यू क्या होगा, अधिक मिलेगा, और वैल्यू कम अधिक कितना मिलेगा, 48 में से 12 गया तभी 36 आया, यहाँ पर भी 48 में से 12 गया तभी 36 आया,
तो यहाँ पर 2x माइनस एक्स अपॉन 2, चाहे वो अधिक पूछा है कम पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू बड़ा होगा उस बड़े को हम छोटे वैल्यू से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसी कंडीशन के हिसाब से हम जब यहां पर आए जब इस क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, तो यहां पर हमको क्या बोल रहा है, आपको निकालने बोला 6/7, मतलब आपके पास नंबर एक एक्स था उसको करने बोला है 6/7, मतलब उसको 6x/7 करने बोला है, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया 6/7 से। मतलब समझ में आ रहा है किस तरीके से हुआ, ये हम जानते हैं कि जब इस नंबर को डिवाइड करना होता है फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, जस्ट अपन लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7/ क्या हो जाएगा 6। अब कम ज्यादा बोलेगा तो मतलब ये दोनों का अंतर, तो इसका मतलब 7/6 माइनस 6x/7 कम ज्यादा आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, आपको कम ज्यादा दिया हुआ है 35/24। यहां तक क्लियर, आपको कम बोलेगा आपको अधिक बोलेगा, जैसे आपको बोलेगा कि उसको 7/6 करने बोला तो गलती से उसने क्या कर दिया, उसको 7/6 से क्या कर दिया, गुना डिवाइड कर दिया, तो आपको यहां पर 35/24 क्या मिलेगा, कम मिलेगा उस कंडीशन में। तो कम मिले या ज्यादा मिले उससे फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बस हमको ये देखना है कि जो भी आपका बड़ा वैल्यू आएगा उस बड़े वैल्यू को छोटे वाले उस वैल्यू से घटाना है और जो कम ज्यादा होगा उसको यहाँ पे रख देना है। तो 6 और 7 का लघुत्तम हमारे पास आया 42, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 49x माइनस 6 × 6 कितना हुआ 36x इक्वल टू 35/ यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। ये जो वैल्यू आया वो वैल्यू आया 13x/42 इक्वल टू 35/ यहां पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक, तो फर्दर डिवाइड करते हैं तो वो जो x हुआ, x इक्वल टू यहां पर क्या मल्टीप्लाई किए 35 × 42 और नीचे का इसे 13 × 24, 6 से 4 बार में और कुछ कट रहा है क्या, कहीं नहीं कट रहा है। 35 × 7 कितना हो गया 245/ यहाँ पर क्या आ रहा है 52, और ये वैल्यू हमको दिया है क्या, हमको नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछता है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको दिया हुआ है, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, 1/2 भाग पीला और बाकी 3 सेंटीमीटर यहां पर क्या है नीला है, तो आपको ये पता करना है कि पेंसिल का कुल लंबाई कितनी होगी। 1/8 ऑफ पेंसिल इज ब्लैक, हाफ इज येलो एंड द रिमेनिंग 3 सेंटीमीटर इज येलो ब्लू, देन वी हैव टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पेंसिल। लेट अस कंसिडर द टोटल लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज एक्स। ठीक है, इस एक्स में ये जो पोर्शन है, मतलब एक्स अपॉन 8 का जो पोर्शन है वो पोर्शन हमारे पास दिया हुआ है ब्लैक का। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है, मतलब इस हाफ जो पोर्शन है वो पोर्शन हमको क्या दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है, और ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है वो यहाँ पर क्या है, वो ब्लू है, और वो कितना सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है। जो बचा हुआ वही हमारे पास क्या है, ब्लू है, और हमको ये पूछ सकता है कि पूरा ब्लैक कितना है, येलो कितना है और कंप्लीट लेंथ कितना है। हम ये जानते हैं कि इस पूरे का जो है वो लेंथ यहाँ पर कितना है, एक्स है, उसमें x/8 भाग ब्लैक का है, x/2 भाग ब्लू का है, तो ये जो बचा हुआ भाग वो कितना है, x में से x/8 प्लस, या हम ये कर सकते हैं कि x में से x/8 भाग निकला और उसमें से x/2 भाग निकला और वो निकला, तो हमारे पास क्या बचा, जो भाग बचेगा वो किसका होगा, ब्लू का होगा। इसका लघुत्तम यहाँ पे 8 आया, यहाँ पर 8x - 1x - 4x = क्या हुआ, ब्लू का पोर्शन है आपके पास, तो ये 7x, ये कितना बचेगा 3x/8 भाग, ये जो पोर्शन है
ये हमको बचा है ब्लू के लिए, और ब्लू हमको कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे कट जाएगा, तो एक्स कितना हो जाएगा, 8। तो उस पेंसिल का जो टोटल लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, मुझे याद है एक बार आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपका, ये आपका पूछा था पीएससी में, और वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि आपका एक, आपके पास लंबा एक डंडी है, उस डंडी का आधा भाग यहाँ पर क्या है, आपके पास काला है, आधा भाग आपके पास क्या है, आप 1/2 भाग क्या है, पीला है, और जो बाकी बचा भाग है वो 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर का, वो आपको ज़मीन के अंदर आपका गड़ा हुआ है, बाकी जो बचा है वो आपका ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। ठीक है, उसका आपको लेंथ दिया था, और आपको क्या करना, उस पूरे डंडे का या उस पूरे बांस की आपको लंबाई निकालनी थी। तो वो वाला भी क्वेश्चन क्या होगा, इसी तरीके से बनेगा, उस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि एक व्यक्ति अपने पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देता है, और फिर शेष का 1/2 भाग यहाँ पर क्या कर ले रहा है, कमा ले रहा है। ठीक है, फिर शेष का 1/2 भाग यहाँ पर क्या कर ले रहा है, कमा ले रहा है। तो अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। हम ये मान लेते हैं कि ये हम जानते हैं कि जो बचत होता है, बचत जो हम जानते हैं कि आपके पास जो बचत होता है, वो बचत कैसा होता है कि आपने जितना कमाया, आप जो कमाते हैं और उसमें से आप खर्चा करते हैं, तो वही आपका बचत कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, मान लेते हैं उसकी पूरी पूंजी x है और उसमें से 5x/6 भाग खर्चा कर दे रहा है, तो उसके पास वर्तमान में कितना बचा है, 1/6 भाग, क्योंकि आपको बोला ही है कि पूंजी का 5/6 भाग क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, इसलिए आपके पास 1/6 भाग बचा हुआ है। अब बोला है उसके पास जो शेष भाग बचा हुआ है उसका 1/2 भाग वापस कमा लेता है, तो ये जो बचा हुआ है ना 1/6, इसी का जो आधा भाग है वहाँ वापस फिर से कमा ले रहा है, तो मतलब 1/12 भाग उसके पास और वापस ले लिया उसको। तो पहले उसके पास 1/6 भाग था, उसमें 1/12 भाग को और कमा लिया है, तो अब उसके पास कितना बचा है, 1/6 + 1/12, दोनों का लघुत्तम आपके पास 12 आया, इससे भाग किए तो 2x + 1x = 3x/12 = x/4। इसका मतलब वापस उसके पास जो अभी वर्तमान में होगा, जो पुरानी पूंजी होगी, उसका कितना होगा, 1/4 भाग उसके पास होगा। चल अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक, एक व्यक्ति खर्च का ब्यौरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खर्च ब्यौरा वाला, यहाँ पे आपको समझाता हूँ, और इसके साथ में आपको 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इसी से रिलेटेड, जो आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी साथ में आपको बता दूंगा। एक व्यक्ति का खर्च का ब्यौरा, उसके आय का क्या दिया अपने पास, 2/5 भाग भोजन पर, 3/20 भाग आवास पर, 3/25 भाग वस्त्र पर, 2/5 भाग शिक्षा पर, 2/25 शिक्षा पर, 2/25 परिवहन पर, और 1/20 भाग अन्य मदों पे खर्चा कर रहा, पूरे खर्चे कर दे रहा है क्या। आपको ये निकालना है कि उसके द्वारा बचत की गई हिस्सा कितना है। ठीक है, चलो अब पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट अपन कितना मान लेते हैं, जब भी आपको बोलेगा तो हम क्या कंप्लीट अभी सबको दिया हुआ है। चलो कंप्लीट भाग हम मान लेते हैं 1, कंप्लीट भाग कितना मान लेते हैं 1। अब चलो उसका खर्चा देखते हैं, खर्चा कितना कितना है, 2/5 भाग खर्चा है, फिर आपका 3/20 भाग खर्चा है, फिर आपका 3/25 भाग खर्चा है, फिर आपका 2/25 भाग खर्चा है, फिर आपका 2/25 भाग खर्चा है, और फिर आपका 1/20 भाग खर्चा है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 6 जगह 6 मदों में खर्चा किया, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह खर्चा किया। ठीक है, तो देख लेते हैं खर्चा कितना कि यहाँ पर देख लेते हैं, 20, 5, 5 और 25 का लघुत्तम हमारे पास कितना आया, 100। ठीक है, 5 से भाग किए 20 को 2, 20 आया 20 दूनी 40 + 20 से भाग किए तो 5 आया 5 + 15 + 25 से भाग किए तो 4 आया 3 चौक 12 + 8 + 8 + इससे किए तो 5। ठीक, प्लस कर लेते हैं
पाँच आठ तेरह, तेरह आठ इक्कीस, इक्कीस और दो तेईस, तेईस और पाँच अट्ठाईस का आठ हासिल दो, दो और चार छः, छः और एक कितना हो जाएगा सात, ठीक है ना। हाँ सात, सात और एक आठ, अट्ठासी बटे सौ। ये भाग खर्चा कर चुका है, मतलब एक में से अट्ठासी बटे यहाँ पर क्या सौ खर्चा कर चुका है, तो बचा उसके पास कितना, बारह बटे सौ भाग चार से तीन बार में और चार से पच्चीस बार में, तो इसीलिए उसके पास बचा कितना है, तीन बटे पच्चीस भाग उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। ये इसी से रिलेटेड, अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना और साथ में उसको उतार भी लेना, ठीक है। चलो देखते हैं वो क्वेश्चन कैसा है। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मान लो एक व्यक्ति अपनी आय का एक बटे चार भाग, मान लो एक बटे चार भाग वो आपका क्लॉथ कपड़े पे खर्चा कर रहा है, ऐसा मान लेते हैं। एक बटे छः भाग, एक बटे छः भाग ऐसा मान लेते हैं कि वो फूड पे खर्चा कर रहा है, और ऐसा मान लेते हैं कि एक बटे बारह भाग वो मान लेते हैं कि वो खर्चा कर रहा है, मान लो वो आपका रेंट पे खर्चा कर रहा है, और एक बटे जो तीन भाग है ना, जो एक बटे तीन भाग है वो मान लो आपका खर्चा कर रहा है किस पे, वो आपका खर्चा कर रहा है पेट्रोल पे खर्चा कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है। इतना पूरा खर्चा करने के बाद भी वह अंत में मान लो 600 रुपये बचा ले रहा है, 600 रुपये यहाँ पर क्या कर ले रहा है, इतना खर्चा करने के बाद भी वो 600 रुपये बचा ले रहा है, तो आपको बोलेगा कि उसका कुल आय कितना था, या आपको ये बोलेगा कि उसने क्लॉथ पे कितना खर्चा किया, फूड पे कितना खर्चा किया, रेंट पे कितना खर्चा किया, पेट्रोल पे कितना खर्चा किया, आपको ये मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि पूरा कमा रहा है वो कितना खर्चा कर रहा है, एक्स आपका सपोज वो कमा रहा है, खर्चा आपका ये वाला पोर्शन हुआ, सभी को हम प्लस कर लिए तो लघुत्तम कितना आया हमारे पास, आया 12, इससे भाग किए तो 3 आया, ऊपर में 3, इससे भाग किए तो 2, इससे भाग किए तो 1 और इससे भाग किए तो 4, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, मतलब 10x/12, इसका मतलब पाँच एक्स बटे छः भाग वो क्या कर चुका है, खर्चा कर डाला है, तो ठीक है, 5x/6 क्या कर दिया, खर्चा कर डाला है, तो x माइनस 5x/6, तो ये कितना हो जाएगा, x/6 वहाँ पर क्या कर रहा है, वो सेविंग कर रहा है, x/6 यहाँ पर क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, और वो कितने के बराबर है, 600 के बराबर है, तो इसका मतलब x/6 ये हो जाएगा 600 के बराबर, और x हमारे पास कितना आ जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 3600, x कितना आ जाएगा हमारे पास, 3600 हमारे पास आ जाएगा। ये हम जानते हैं कि हमारा टोटल इनकम कितना हो गया, मतलब उस व्यक्ति का टोटल इनकम कितना हो गया, 3600 बोलेगा। अब अगर सपोज बोलेगा क्लॉथ पे कितना खर्चा कर रहा है, तो 1/4 भाग है, तो 3600 का हम क्या कर देंगे, 1/4 भाग, मतलब चौथा, तो कितना आ जाएगा, 900। तो ऐसा आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग और योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग यहाँ पर दोनों बराबर दिया है, यदि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपए, तो उनके पास राशियों का अंतर निकालना है। ओके, ऐसा हमको बोल रहा है कि निखिल के पास का जो 1/4 भाग है, वो जो योगेश है उसके पास 1/6 भाग के पास यहाँ बराबर ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा हम इसके नीचे लेके आ गए, तो ये निखिल बटे योगेश बराबर 4/ क्या हो गया, 6, तो ये कितना आया, 2/ क्या हुआ, 3, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ, तो हम इसका मतलब n अनुपात y, ये हमारे पास क्या हुआ, 2/ यहाँ पर क्या हुआ, 3, तो टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, टोटल हमारे पास 5 भाग दिया हुआ है, जिसमें निखिल का जो भाग है वो हमारे पास आ गया, जो हमारे पास निखिल का भाग है, इसमें जो निखिल का भाग है वो कितना है, निखिल का भाग 2/5 भाग है, और इसका जो भाग है वो कितना है, 3/5 भाग, यहाँ तक आया। हमको बोला है कि पूछा है कि हमको उन दोनों के भागों का अंतर, तो हम जब यहाँ पर देखते हैं उनके दोनों भागों का जो अंतर है
इनका अंतर कितना है, 1/5 भाग है इनके भागों का अंतर, ठीक। और हमको कुल कितना पैसा दिया है, हमको कुल पैसा वहाँ पर दिया है 600, तो जब हम इसको किए तो कितना आ गया 120, ठीक। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ से निखिल का भाग निकाला, आपने निखिल को 2x ले लिया, योगेश को आपने 3x ले लिया, दोनों को जोड़ के आप क्या कर लिए, 600 कर लिए। आपने दोनों का भाग निकाला और दोनों के भाग को भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, आप उसको उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको बोला है कि एक व्यक्ति के पास कुल राशि का 3/8 भाग मिला और उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 है तो आपको कुल राशि आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि उनके पास जो कुल राशि है ना, उनके पास जो कुल राशि है, उन दोनों के पास कुल राशि कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। पहले व्यक्ति को कितना मिला है, पहले व्यक्ति को 3/8 भाग मिला यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास जो फर्स्ट जो कैंडिडेट है उसको मिला है 3x/8, ये फर्स्ट कैंडिडेट को मिला है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बचा हुआ है रिमेनिंग पोर्शन x-3x/8, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना हुआ, 5x/8, ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन हुआ 5x/8। हमको ये बोल रहा है कि जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है जो बचा है, उस बचे हुआ जो भाग है उसको दूसरे वाले को उसका 3/8 भाग मिल रहा है। जो आपका कुल पैसा उसका 3/8 नहीं भाग मिल रहा है, जो बचा हुआ पैसा है ना उसका 3/8 भाग मिल रहा है। तो इसका मतलब 5x/8 का हमने 3/8 भाग निकाला तो ये हुआ 15x/8, यहाँ पर क्या हुआ 64, ये हमारे पास आया, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला वाला है वो आपको मिला है 3x/8, ये पहले वाले को मिला है। दूसरे वाले को 15x/8 यहाँ पर क्या मिला है 64, ये दूसरे वाले को मिला है। और हमको दिया है कि ये जो दोनों भागों का अंतर है, दोनों भागों का अंतर हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 36 रुपये हमको दिया हुआ है, ठीक है। लघुत्तम कितना आ गया हमारे पास, 64 हमारे पास लघुत्तम आया। इससे भाग के तो कितना आया, इससे भाग के तो 8 आया, 3/8 यहाँ पर क्या हो जाएगा 24x-15x बराबर कितना हुआ 36, ठीक है। इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो होगा ये जो हुआ ये हमारे पास हुआ 9x/64 बराबर कितना हुआ 36, 9 एक बार में, 9 चार बार में, तो x का वैल्यू 64 × 4 कितना हो जाएगा 256। तो उसके पास कुल पैसा कितना बोलेगा उनके पास, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या किए, उसको फ्रैक्शन में हम लोग क्या करके डिवाइड करके किए। तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहना। एक बात याद रखिए, ये जो आपका MCQ सीरीज है, जो आपका अपकमिंग PSC के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपको क्या होगा, एक बार आपको ये होगा कि आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे आपको, उसके बाद आप MCQ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले MCQs के साथ में क्या करें, आपको एक आइडिया ये होगा कि पिछले बार के क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं आपको, उनको वो मिलेगा आपको। अपकमिंग एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछने की संभावना है आपको उसका आइडिया मिलेगा। और उसी दौरान क्या करेंगे, आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। इसीलिए ये कोको का जो इनिशिएटिव है टॉप MCQ सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत जल्दी आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए